तो मेरा नाम है कुशल कुमार, ये हुंडई i20 का बिल्कुल टॉप वेरिएंट सनरूफ एक ऐसा फीचर है इस कार में जो सेगमेंट में और कार आती है उनमें आपको ये फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। टॉप वेरिएंट रहने वाला है एक्स्ट्रा ऑप्शनल वेरिएंट। फिर क्या क्या फीचर्स ऑफर करे जाएंगे आपको उस वाले वेरिएंट, वो हम सब कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप बलिनो या फिर एल्ट्रोस का टॉप वेरिएंट देख रहे हैं तो आप i20 के एक्स्ट्रा ऑप्शनल वेरिएंट को भी देख सकते हैं और वे एक एक करके और फीचर्स भी देखने वाले हैं इस कार में आपको क्या क्या ऑफर करे आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार की की से ही। ये रही इस कार की। कीलेस एंट्री मिल जाएगी आपको, लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, कार की बूट को लॉक करने के मिल जाएगा और देखने में प्रीमियम लगती है ये की। ये रही हेडलाइट इस कार की, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे आपको और DRS भी मिल जाएंगे आपको उसकी हेडलाइट में, इंडिकेटर में बल्ब। ये रही ग्रिल इस कार की, Hyundai का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश में है ग्रिल इस कार की, पियानो ब्लैक फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाएगी, फोग लैंप्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और ये रही फिर साइड प्रोफाइल इस कार की, 16 इंच की आपको इसमें मशीन्ड अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 195x55R16 इनकी प्रोफाइल है। ये रहा ORVM इस कार का, इंडिकेटर आपको इस कार के ORVM पर मिल जाएगा, नीचे की साइड क्लैडिंग, सनरूफ, विंडो क्रोम गार्निश, यहाँ पर भी आपको क्रोम गार्निश मिल जाएगी, फ्यूल लिड आपको उसके को ड्राइवर साइड ही मिलने वाला है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 37 लीटर की है। और फिर कुछ इस तरह की लगती है साइड से देखने में, यहाँ पर आपको शार्फेन एंटेना मिल जाएगा, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर बाइफर डिफोगर बोशर, LED टेल लाइट को, इंडिकेटर बैक लाइट में बल्ब मिल जाएगा, क्रोम लाइन गई है एक टेल लाइट से लेकर दूसरी टेल लाइट तक, पियानो ब्लैक फिनिश पर Hyundai का लोगो, एस्टा की बेजिंग, i20 की बेजिंग, रिफ्लेक्टर्स, पार्किंग सेंसर्स, पियानो ब्लैक फिनिश में स्किड प्लेट। और फिर कुछ इस तरह की लगती है कार बैक से देखने में। तो चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखा देता हूँ फिर कितना स्पेस मिल जाता है आपको उस कार के बूट में। तो इस कार में आपको 311 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पाशे ट्रे भी मिल जाएगी आपको, सबवूफर यहाँ पर मिलने वाला है बोस का, लगेज लैंप, और ये रहा स्पेयर व्हील। तो चलिए फिर ये तो था इस कार का स्टे लुक, जो भी आपको इस कार के स्टे मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ फिर क्या क्या ऑफर करा जाता है आपको इस कार के इंटीरियर में। तो वे पूरे ब्लैक कलर में इंटीरियर मिल जाएगा आपको, डोर ओपनर ब्लैक कलर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जिनके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पावर विंडो कंट्रोल्स लॉक अनलॉक के लिए, यहां पर आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी, वाटर बॉटल रखने के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, स्पीकर। और बाहर से देखने में कुछ इस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का, बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है आपको इसमें, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, रिक्लाइन करने का मिल जाएगा आपको, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। Hyundai welcomes you. Enjoy a safe and pleasant drive. तो वैसे आप देख सकते कुछ इस तरह का मिल जाता है आपको इस कार का इंटीरियर। और ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील, Hyundai का लोगो मिल जाएगा, स्टेरिंग मॉडेड कंट्रोल्स मिलने वाले हैं आपको, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, लेदर रैप्ड रहने वाला है ये स्टेरिंग व्हील, इसकी ग्रिप बहुत बढ़िया हो जाती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये रहा इस कार का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है जो कि आपको पूरी स्पोर्टी फील दे देगा। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, RPM मीटर मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर आपको स्पीड पता चलती रहेगी आपकी कार की, RPM भी लिखता आएगा डिजिट में, वो टेम्परेचर क्या है, कितना चल गई है कार, क्या माइलेज दे रही है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो भी फीचर्स होते हैं सारे आपको इसमें दिखते रहेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। 10.25 इंच का टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, जो कि दिखने में कुछ इस तरह का लगता है टच में मिल जाएंगे आपको नीचे साइड, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, ऑन ऑफ के लिए, नेविगेशन के लिए, नीचे साइड आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, बीच में हजार्ड लाइट का बटन लाइन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, AC वेंट सिर्फ आपको यहाँ पर ही मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है, वहां पर मिल जाएगा को ड्राइवर साइड। और मैं आपको एक बार
दिखा देता हूँ सही से। और ऐसे आप देखते हैं यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट भी मिल जाएगी, यहाँ पर हो गया जैसे यहाँ पर हो गया, और एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, इसके डोर पर भी मिल जाएगी आपको, नीचे की साइड भी आपको एम्बियंट लाइट मिलने वाली है इस कार में। और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इस कार में, जो कि देखने में कुछ इस तरह की लगती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार, इसका गियर नोब कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको लेदर मिल जाएगा, ग्रे यहाँ पर मिलने वाला है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा इस कार में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा आपको, कप होल्डर मिल जाएगा और एयर प्यूरीफायर भी मिल जाएगा आपको इस वाले वेरियंट में। आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कुछ इतना स्पेस मिल जाता है आपको इस कार के ग्लव बॉक्स में, कुछ इस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा आपको इसमें, टिकट होल्डर मिलने वाला है सिर्फ, कैबिन लैंप मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी मिलने वाला है, और एरस कार का कोड ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और एरस कार का ग्रैब हैंडल, सनरूफ मिल जाती है आपको यहाँ पर, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं, और एरस कार की कोड ड्राइवर साइड सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, वो देखने में कुछ इस तरह की लगती है, फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगे आपको, ड्राइवर साइड डोर कुछ इस तरह का है, डोर ओपनर मिल जाएगा आपको ब्लैक कलर में, बाटा बटे स्पेस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएंगे आपको वहां पर, ट्विटर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर कुछ तरह का था इस कार का फ्रंट सीट पर बैठकर, जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार की रेयर सीट पर चलकर दिखा देता हूँ फिर कितना स्पेस आपको वहां पर मिल जाता है। जो ड्राइवर सीट है अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम आपको वहां पर मिल जाएगा। मेरी हाइट 6 फीट है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और ये रहा बैक डोर इस कार का, पूरा ब्लैक कलर मिल जाएगा आपको ये भी, डोर ओपनर ब्लैक कलर, पावर विंडो, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, स्पीकर। तो वैसे आप देख सकते कुछ इतना लेग रूम आपको इस कार में मिल जाता है। रियर एसी वेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पर, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा नीचे की साइड, बैक सीट पर बैठकर कुछ इस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। यहाँ पर भी आपको केबिन लैंप मिल जाएगा और सनरूफ मिल जाती है आपको इस कार में, जो कि देखने में कुछ इस तरह का लगता है रियर सीट पर बैठकर। इसको आप यहां से ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। फ्रंट में ऐसा मैंने आपको बता दिया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे इस कार में। ग्रैब हैंडल मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ग्लास मिलने वाला है वहां पर छोटा सा, आर्मरेस्ट मिल जाएगा, और ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर ओपनर ब्लैक कलर, क्रोम फिनिश, स्पीकर, बाटा बोटे के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए स्पेस। तो चलिए फिर कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाता है वो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। तो ये तो था Hyundai i20 Esta ऑप्शनल वेरिएंट का बोक राउंड। जैसे आपने देखा इसमें आपको सनरूफ मिल जाती है, जो कि इसी फीचर की वजह से जो एल्ट्रोज हो गई, बलिनो हो गई, उससे अलग बना देती है। तो जो सनरूफ के फैन है वो Hyundai i20 Esta ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ चले जाते हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्राइस बता दिया था, जो कि एक्स शोरूम था, वो बात करता हूँ ऑन रोड के बारे में। 10,83,000 रुपीज प्राइस इस कार का पेट्रोल में, 12,80,000 रुपीज प्राइस इस कार का डीजल में, चौधरी Hyundai बिजनौर उत्तर प्रदेश में। तो चलिए फिर आपको इस कार के और ब्रांड की वीडियो देखनी है, फिर आपको किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोज देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।